अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डिवाइस का फर्स्ट लुक देने वाला हूं। और ये डिवाइस है मेरे पास Huawei Nova 5T। ये पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि पाकिस्तान में इसकी Huawei इसको पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च करेगा Huawei Nova 5T को। तो ये मैंने डिवाइस दुबई से इम्पोर्ट की है। मैं आज आप इस डिवाइस का फर्स्ट लुक दूंगा आपको, डिवाइस देखने में कैसी है और यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस भी डिस्कस करेंगे डिवाइस की। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि Huawei Nova 5T अगर आप दुबई से या किसी और कंट्री से मंगवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कैसी डिवाइस मिलने वाली है, स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी। लुक मुझे बहुत पसंद आया डिवाइस का, कलर्स काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद आया, यहाँ पे भी होल पंच कैमरा मिल रहा है हमें। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं वीडियो स्टार्ट करने के बाद। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लुक Huawei Nova 5T का। और ये डिवाइस मेरे पास बॉक्स वाली नहीं है, सिर्फ किट डिवाइस है। तो यहाँ पे मैं आपको डिवाइस का फर्स्ट लुक दे रहा हूँ, अनबॉक्सिंग वगैरह हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये डिवाइस बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है, पाकिस्तान में अभी तक किसी के पास भी नहीं है और ये डिवाइस पाकिस्तान में आई थिंक ऑफिशियल आएगी भी नहीं। और बड़ी ज़बरदस्त स्पेक्स में आई है तो उसको हम देखते हैं स्पेक्स। सबसे पहले फर्स्ट लुक देखते हैं डिवाइस का। फर्स्ट लुक में सबसे पहले राइट साइड पे पावर ऑन ऑफ की और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी यही है। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है, उसके साथ वॉल्यूम रोकर्स मिल रहे हैं। वॉल्यूम रोकर्स के साथ पावर ऑन ऑफ की और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों चीज़ें राइट साइड पे लगाई गई हैं। अप साइड देखते हैं डिवाइस की, तो अप साइड पे यहाँ पे हमें सेंसर मिल रहा है, आईआर ब्लास्टर है, नॉइस कैंसिलेशन माइक है। इसके अलावा लेफ्ट साइड देखें डिवाइस की, तो लेफ्ट साइड पे मिल रही है सिम ट्रे। और यहाँ पे हम निकाल के देखते हैं स्लॉट हमें कौन सी मिल रही है सिम ट्रे की, स्लॉट भी चेक करते हैं। यहाँ पे हमें हाइब्रिड मिल रही है या 3 कार्ड। अच्छा, यहाँ पे हमें डुअल सिम का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 नैनो सिम आप एक लगा सकते हैं इस डिवाइस के अंदर। तो 128 GB की स्टोरेज वैसे ऑलरेडी आपको मिल रही है, स्टोरेज की आपको मेमोरी कार्ड की आई थिंक नीड भी नहीं है। तो 128 GB की स्टोरेज पे आप यहाँ पे महदूद हो गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे डाउन साइड पे देखें डिवाइस की, तो डाउन साइड पे मिल रहा है चार्जिंग जैक जो कि टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ है और लगाए गए हैं स्पीकर ग्रिल, तीनों दोनों चीज़ें डाउन साइड पे हैं। यहाँ पे ऑडियो जैक हमें इस डिवाइस पे नहीं मिलेगा डायरेक्टली, यहाँ पे आपको एक कनेक्टर लेना पड़ेगा टाइप सी। 2 3.5 mm का ऑडियो जैक कनेक्टर आता है, वो आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे टाइप सी से कनेक्ट करके आप वहाँ से हैंड फ्री से दूसरे साइड से हैंड फ्री कनेक्ट करेंगे 3.5 mm का ऑडियो जैक जो हैंड फ्रीज आती हैं। तो यहाँ पे ऑडियो जैक हमें नहीं मिलेगा डिवाइस के अंदर। बैक साइड डिवाइस की डिस्कस करें तो बैक साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं शाइनी है और ब्लैक कलर है मेरे पास। क्वाड कैमरा सेटअप है, 3 कैमरे एक साथ लगाए गए हैं, एक कैमरा यहाँ पे एक साथ मिलेगा, अलग से मिलेगा AI क्वाड कैमरा। 48 MP का मेन कैमरा है यहाँ पे और यहाँ पे LED फ्लैश भी मिल रहा है। 4 कैमरों की यहाँ पे ब्रांडिंग हुई हुई है, नीचे Huawei की ब्रांडिंग हुई हुई है। शाइनी कलर डिज़ाइन ग्लॉस बॉडी, बहुत प्यारी लुक दे रहा है डिवाइस को। फ्रंट साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं होल पंच कैमरा है, यहाँ पे एक होल दिया गया है और ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है उसके मुकाबले में, जो हमने A51 को देखा या हमने Vivo का V17 को देखा उसके मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे होल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पेक्स काफ़ी ज़बरदस्त है डिवाइस की। स्पेक्स का अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की पहले बात करते हैं, उसके बाद हम आएंगे कैमरास की तरफ और फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी परफॉर्मेंस। डिस्प्ले साइज यहाँ पे 6.26 इंच का लगाया गया है, 6.26 इंच का डिस्प्ले होगा, फुल व्यू डिस्प्ले है। यहाँ पे एक होल पंच कैमरा मिलेगा, बाकी डिस्प्ले फुल व्यू है, बेजललेस डिस्प्ले है, बिल्कुल छोटी सी चिन है और बेजल्स ना होने के बराबर यहाँ पे। और डिस्प्ले टाइप की देखें, डिस्प्ले टाइप यहाँ पे IPS LCD लगाई गई है, रेजोल्यूशन होगा 1080x2340 pixels का। पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे होगी 412 PPI की, 412 PPI की पिक्सल डेंसिटी होगी। कलर्स ब्राइटनेस बहुत जबरदस्त है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी जबरदस्त हमें मिल रहा है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 96% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल रहा है फुल व्यू डिस्प्ले, बेजललेस डिस्प्ले, बहुत छोटी सी चीज है, तो 96% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा। इसके अलावा एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे मिलेगा 19.5:9 का। और इसी तरह बॉडी मटेरियल की बात करें तो ग्लास बॉडी है, बैक साइड और फ्रंट साइड ग्लास लगाया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन मिलने वाली है। तो काफ़ी खूबसूरत डिवाइस है, बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन और डिस्प्ले मुझे काफ़ी पसंद आया इस डिवाइस का। अब हम बात करते हैं इसकी कैमरास की। कैमरास में इसमें बैक साइड पे 4 कैमरे लगाए गए हैं, मेन कैमरा है 48 MP का विद अपर्चर f1.9 और इसके अलावा 16 MP का कैमरा मिलेगा अल्ट्रा वाइड विद अपर्चर f2.2, 2 MP का मैक्रो कैमरा लगाया गया है विद अपर्चर 2.4 और यहाँ पे 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा हमें विद अपर्चर f2.4। तो यहाँ पे कंप्लीट कैमरा रेंज हमें मिल रही है, 48 MP मेन कैमरा है, 16 MP का अल्ट्रा वाइड है, 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का मैक्रो कैमरा मिलेगा यहाँ पे।
फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो फ्रंट पे यहाँ पे लगाया गया है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एक स्मॉल होल पंच के अंदर, और इसका अपर्चर हमें मिलेगा f2.0 का। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पे तो हमें यहाँ पे चिपसेट इस डिवाइस के अंदर काफी पावरफुल मिल रही है। Huawei की Kirin 980 की चिपसेट मिल रही है जो कि 7 नैनोमीटर बेस से है और काफी जबरदस्त काफी पावरफुल चिपसेट है Kirin 980। 2.6 GHz का ऑक्टाकोर सीपीयू हमें यहाँ पे मिलने वाला है और जीपीयू हमें मिलेगा माली G76 MP10 का यहाँ पे जीपीयू मिल रहा है। और रैम और रोम के बारे में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 8GB रैम विद 128GB रोम की ये डिवाइस है और Kirin 980 के साथ काफी जबरदस्त 2.6 GHz ऑक्टाकोर सीपीयू और परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत जबरदस्त होने वाली है। मैं आपको यहाँ पे कुछ इसके बेंचमार्क स्कोर्स भी दिखाता हूँ जो मैंने अभी यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क की एप्लीकेशन से चेक किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंचमार्क स्कोर्स, इसका बेंचमार्क स्कोर्स मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आया 348932। आप देख सकते हैं 348932 इसका बेंचमार्क स्कोर है। सीपीयू का स्कोर है 1113100017 और यहाँ पे जीपीयू स्कोर है 1119736। मेमोरी स्कोर और यहाँ पे यूएक्स स्कोर है जो कि कंप्लीट मिला के बनता है 348932। और इसके बेंचमार्क स्कोर्स में इसकी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इतना जबरदस्त का बेंचमार्क स्कोर आएगा। परफॉर्मेंस आप इससे डिसाइड कर सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। और अगर मैं यहाँ पे थोड़े से डिटेल स्पेक्स आपको दिखाऊं, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं Kirin 980 है, एंड्रॉइड 9 Kirin 980, इसके अलावा माली G77 MP10 जैसे तरह मैंने आपको बताया, और यहाँ पे 8GB हमें रैम मिल रही है एल रैम टाइप, यहाँ पे LPDDR4X हमें मिलेगी, UFS 2.0 हमें स्टोरेज टाइप मिलने वाली है। इसके अलावा CPU कोर्स यहाँ पे 8 है यानी ऑक्टा कोर CPU हमें मिल रहा है। 60Hz का रिफ्रेश रेट होगा 480x412 PPI पिक्सल डेंसिटी और 60Hz रिफ्रेश रेट हो गया। यहाँ पे कैमरा जैसे मैंने आपको बताया 48+6+16+2+2 के चार कैमरे मिल रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वीडियो के अंदर स्टेबलाइजेशन भी मिलने वाली है। फ्रंट 32 मेगापिक्सल कैमरा है, 3750 mAh की यहाँ पे बैटरी मिल रही है और टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पे मिलेगी हमें, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है डिवाइस। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 9.5 पे आती है डिवाइस। और अगर यहाँ पे सेंसर्स देख लेते हैं, GPU NFC ब्लूटूथ वगैरह सारे सेंसर्स मिल रहे हैं, वाईफाई, इसके अलावा जेरोस्कोप सेंसर भी यहाँ पे मिल रहा है और तमाम सेंसर्स हैं। ये हो गए यहाँ पे डिटेल स्पेक्स हमने बता दी मैं आपको। और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा मिल रहा है Huawei का, Huawei EMUI वर्जन हमें मिल रहा है 9.1 और इसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन 9 एंड्रॉयड 9.5 है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हमें Huawei की और दोनों एंड्रॉयड दोनों 9.5 मिल रहे हैं। बैटरी की कैपेसिटी मैंने आपको बता दी 3750 mAh है, टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है डिवाइस। सेंसर्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड दिया गया है डिवाइस के अंदर, यहाँ पे साइड पे लगाया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर जिस तरह Redmi K30 में मिल रहा है, इसी तरह यहाँ पे Huawei Nova 5T के अंदर भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिल रही है हमें इस डिवाइस के अंदर। तो ये थे डिटेल स्पेक्स Huawei Nova 5T की। डिवाइस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी जगह जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका डिटेल कंपैरिजन भी आने वाला है Huawei Nova 5T का कंपैरिजन करूंगा Redmi K30 के साथ। तो वो वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे लाजमी क्लिक कर लिएगा। अल्लाह हाफिज़।